साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, संजीदा या फिर ऐसा समझिए कि मतलब संवेदनशील मुद्दा है, तो इसे भावनाओं और संवेदनाओं के साथ समझें। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार है और ऑपरेशन ब्लू स्टार का, और विद्यार्थियों ने मतलब इसकी डिमांड की थी कि सर इस सवाल को लेके आइएगा, है ना। और हाल ही में इसकी 37वीं वर्षगांठ मनाई गई है, 37 वर्षगांठ मनाई गई है। किसकी मनाई गई है? ऑपरेशन ब्लू स्टार की। जानते आप में से बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन इसमें से कई ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि इसके रिपरकर्शंस क्या हुए थे, ऑपरेशन ब्लू स्टार में क्या कुछ हुआ था। मैं तमाम बातें आप लोगों को बताऊंगा साथियों। हाल ही में इसकी 37वीं वर्षगांठ मनाई गई है ऑपरेशन ब्लू स्टार की। था क्या ये ऑपरेशन ब्लू स्टार? चलिए एक एक करके सारी बातें मैं आपको बताता हूं। आप जो यहां पर फोटो देख रहे हैं, इस फोटो के अंदर कई जगह भारत में एक चीज आपको याद रखनी होगी, और वो ये है कि भारत में खालिस्तान समर्थन में नारे लगे हैं। खालिस्तान समर्थन में कई जगह याद किया गया है खालिस्तानियों को। तो सवाल बनेगा, ये खालिस्तानी शब्द था क्या असल में? असल में साथियों, मैं एक बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ रहा था, अगर आप चाहेंगे तो मैं उस रिपोर्ट को आप लोगों से शेयर भी कर दूंगा। आप उस रिपोर्ट को पढ़ें, क्योंकि मतलब हम लोग जब भी आपके सामने कुछ लेके आते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मतलब कोई ना कोई ऐसा तर्क होता है। और अगर आप चाहें तो ये लीजिए, मैंने जिस माध्यम से मैं ये पढ़ रहा हूं या जहां से मैं ये कंटेंट आपको शेयर कर रहा हूं, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी संवेदनशील घटना ना हो जिसकी वजह से आपकी भावनाएं आहत हों, ये मैंने अपने टेलीग्राम पर आप लोगों को लिंक भी शेयर कर दिया है। होपफुली आपको ये रिपोर्ट मिल गई होगी, मैंने जस्ट अभी शेयर किया है। आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल है अंकित अवस्थी सर, आप वहां पर जाकर देख भी सकते हैं, ठीक है। तो मुद्दा क्या है साथियों, अब मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी देता हूं। मुद्दा यह है, हाँ, मैंने एक रिपोर्ट शेयर कर दिया, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। मेरी क्लास का अधिकांश कंटेंट उसी से निकाल करके और फिर बहुत सारी चीजें पढ़ करके मैं लेके आया हूं, पहले समझने का प्रयास करें। हुआ क्या साथियों, पहले समझिए, खालिस्तान 1882 के अंदर भिंडरवाला एक शब्द है जिसको आप फिलहाल के लिए याद रख लीजिएगा, एक वो व्यक्ति था जो पंजाब में खालिस्तान की मांग कर रहा था, एक अलग देश की मांग कर रहा था। पंजाब के अंदर इसका गढ़ अमृतसर हुआ करता था, लेकिन इस पूरी घटना के अंदर एक जो तथ्य है वो जान लेना बहुत जरूरी है कि ये भिंडरवाला जो खालिस्तान की मांग कर रहा था, असल में इसको जनता का समर्थन भी प्राप्त था। अब आप पूछेंगे ऐसा क्या लॉजिक था सर इसके पीछे? लॉजिक ये था कि जो पाकिस्तान है वो धर्म के आधार पर बना हुआ एक देश था। धर्म के आधार पर बने हुए देश में दूसरा देश जो था वो खालिस्तान की मांग पंजाब के भीतर उठ रही थी। शुरुआत में ये मांग नहीं थी, 1882 के दौरान ये मांग जोर पकड़ने लगी। तो आप पूछेंगे कि सर ये कहानी क्या है, मतलब कैसे, मतलब ये मांग जोर पकड़ने लगी, कहां की ये बात है, थोड़ा बताएं। तो अगर आप मैप को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि जिस राज्य की मैं बात कर रहा हूं, दैट इज भारत का राज्य पंजाब, और पंजाब के अंदर ये जो जगह आप देख रहे हैं ये है स्वर्ण मंदिर। तो ये जो अपना, जिसको आप श्री हरमंदिर साहिब के नाम से भी जानते हैं, ये जो स्वर्ण मंदिर है ये इस मांग करने वाले लोगों का गढ़ हो गया था। यानी कि जो भिंडरवाला है उसका ये वो पर्टिकुलर जगह थी जहां पर आकर के इस जगह बैठ करके क्या मांग की गई थी कि भाई हम लोग यहीं पर बैठ करके खालिस्तान की मांग करेंगे। साथियों, ये जो भिंडरवाला नामक व्यक्ति है जिसकी वजह से 1984 के अंदर इसे मारने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, वो ऑपरेशन ब्लू स्टार असल में इस स्वर्ण मंदिर के अंदर भारतीय सेना के प्रवेश से जुड़ा हुआ है। भारतीय सेना के द्वारा इस मंदिर में प्रवेश किया गया, और सबसे बड़ी बात जो चर्चा का विषय रही जिसकी वजह से भारत ही नहीं पूरे विश्व में सिख समुदाय आहत हुआ, वो ये था कि यहां पर स्वर्ण मंदिर के अंदर, मेरे प्यारे साथियों, टैंक घुसा दिए गए थे। यानी टैंक के माध्यम से इस स्वर्ण मंदिर की जो छत है उसे उड़ा दिया गया था, और छत के उड़ा देने से गिरे हुए पत्थरों के कारण वो जो भिंडर वाला है उसकी मौत हुई थी। केवल और केवल उसकी मौत ही नहीं, क्योंकि आतंकवादियों ने तो यहां पर शरण ले ही ली थी, लेकिन शरण के साथ साथ, ये आप देख रहे हैं, यहां पर आतंकवादियों ने तो शरण ले ही रखी थी जो खालिस्तान की मांग कर रहे थे, खालिस्तानियों ने तो शरण ले ही रखी थी। असल में क्या था साथियों, यहां पर जो मतलब सबसे पवित्र ग्रंथ है सिखिज्म का, दैट इज गुरु ग्रंथ साहिब, वो भी रखी हुई थी। और गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो मतलब सिख ग्रंथ, सिख धर्म ग्रंथ है, और बहुत ही सैक्रेट धर्म ग्रंथ है, यानी बहुत पवित्र धर्म ग्रंथ माना जाता है। उस पवित्र धर्म ग्रंथ के ऊपर भी
पत्थरों के गिरने से और गोलीबारी से उसके भी पत्तों के ऊपर, पन्नों के ऊपर जो है, जो लीफलेट्स थे, जो पन्ने थे किताब के, वो भी पर मतलब फट गए और उनका भी नुकसान हुआ। और अभी साथियों उस फटी हुई या फिर उस जो क्षतिग्रस्त जो पन्ने हैं या फिर जो नुकसान हुआ वाला क्षेत्र है उसका भी प्रदर्शन किया गया। यानी एक प्रकार से लोगों को यह याद दिलाने का प्रयास किया गया कि देखें कि उस समय आज से 37 साल पहले कैसा हमारे ऊपर अटैक हुआ था, इस बात को दिखाते हुए। और यहां पर दोनों प्रकार की बातें देखी गई। नंबर एक, ये चीज इस प्रकार से भी देखी गई कि किस प्रकार से खालिस्तान की मांग उठ रही थी और भारतीय सेना ने इसे खत्म किया, और दूसरी प्रकार से इसे रिलीजियस सेंटीमेंट से भी देखा गया कि एक प्रकार से यह रिलीजन पर अटैक था। इसके कारण से अगर मैं आपको बताऊं तो यही वो कारण था जिसके चलते इंदिरा गांधी को उन्हीं के एक बॉडीगार्ड ने, जो कि सिख बॉडीगार्ड था, गोली चला करके मार डाला था। यह वो घटना थी, क्योंकि 1984 में इस घटना के लिए, क्योंकि 6 जून 1984 इस दिन को ऑपरेशन ब्लू स्टार को रिमार्क करने का दिन मनाया जाता है, और इस काम को करने के लिए जो सेना प्रवेश करी थी, इस प्रवेश के अंदर इंदिरा गांधी जी उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने खालिस्तानी समर्थकों को मारने के लिए आदेश दिया था या वहां से अमृतसर साहिब को मुक्त कराने का वो दिया था। और इस पूरे कारण से जो सिख रिलीजन या सिख कम्युनिटी है उनके अंदर विरोध पैदा हो गया था इंदिरा गांधी जी के खिलाफ, और उस विरोध का नतीजा यह निकला कि उनके एक सिख बॉडीगार्ड ने उनकी गोली चला करके अक्टूबर में हत्या कर दी। इस हत्या का नुकसान यह हुआ कि भारत में बहुत बड़े लेवल पर सिख दंगे हुए, और इंदिरा गांधी जी की मौत के खिलाफ लोगों ने, एक तरह से समझिए, हिंदू और सिख लड़ाई हुई। और यह जो पूरी की पूरी लड़ाई है, इसमें अनुमानित है कि लगभग इन सिख दंगों में लगभग 3000 से ज्यादा सिखों की जान चली गई। तो यानी कि यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, यह ऐसी घटना है जिसकी वजह से भारत के अंदर एक मतलब ऐसा दिन याद किया जाता है जो कि काफी ज्यादा भयावह याद को दिलाता है। इसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा, और वो ये है कि एक खालिस्तान की मांग अचानक उठी थी या इसके पीछे थी, इसके बारे में भी मैं आपको सारी बातें बताता हूं। साथियों, जैसा आप देख रहे हैं यहां पर, इसके ऊपर गोली चलाने के लिए पूरी तरह से फौज को मुस्तैद किया गया था। ये जो जर्नैल सिंह भिंडरवाला हैं, असल में ये सबसे पहले खालिस्तानी सिख थे और ये चाहते थे भारतीय गवर्नमेंट से कि आप आनंदपुर रिजोल्यूशन पास करें। आनंदपुर रिजोल्यूशन के माध्यम से ये चाहते थे कि इन्हें एक सेपरेट स्टेट दे दिया जाए। किसको? जर्नैल सिंह भिंडरवाला को, पंजाब से अलग करके एक राज्य दे दिया जाए। 1982 में इनके जो बयान थे ये काफी ज्यादा रेडिकल हो गए थे। रेडिकल का मतलब ये राज्य के स्थान पर देश की मांग करने लगे थे। अब इस तथ्य को थोड़ा समझने का प्रयास करिए। देखिए, भारत में राजनीति भी कई बार इस चीज के लिए जिम्मेदार होती है, और जिस चीज के लिए मैंने आपको रिपोर्ट शेयर की है उसके पीछे का कारण भी मैं आपको बता देता हूं। असल में साथियों, बीबीसी की जो मैंने रिपोर्ट शेयर की है उसमें, उस रिपोर्ट में यह बात मेंशन की हुई है कि कांग्रेस ने ही 1982 के अंदर यह जो नेता आपको जर्नैल सिंह भिंडरवाला दिख रहा है इसको प्रमोट करने का कार्य किया था। प्रमोट करने का कार्य किया था मतलब यह है कि असल में पॉलिटिक्स जो है वो पंजाब के अंदर आज भी रीजनल लेवल पर देखी जाती है। रीजनल मतलब क्षेत्रीय आधार पर। वहां पर एक पार्टी है अकाली दल, जिसको आप कहते हैं, अकाली दल को काउंटर करने के लिए वहीं पर किसी और नेता को लोकल लेवल पर बड़ा करना था। राजनीति में यह सब चलता भी है। उद्देश्य यह नहीं था कि यह व्यक्ति आगे जाकर के अलग देश की मांग करने लग जाएगा और इतना खूंखार हो जाएगा। देखिए, राजनीति में किसी व्यक्ति को ऊपर उठाना, क्योंकि राजनेता की तलाश तो करती ही हैं सभी पार्टियां, और भिंडरवाला शुरुआत में ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको कि यह समझ लिया जाए कि कांग्रेस इसको पहले से ही आतंकवादी डिक्लेयर कर दे। नहीं, इसके साथ तो बकायदा 1982 में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसे आनंदपुर रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं, लेकिन उस रेजोल्यूशन को मानने के स्थान पर भिंडरवाला को पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त होने लगा, और पाकिस्तान के समर्थन में यह भिंडरवाला अपने लिए अलग देश मांग करने लगा, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा इसको यह समर्थन था कि आप एक अलग देश बनाइए, क्योंकि पाकिस्तान 1971 में हुई अपनी हार को पचा नहीं पा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान को लगता था कि 1971 में इन्हीं इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान से
बांग्लादेश अलग कर दिया था, तो इसका बदला लेना था, और इस बदले के लिए क्या किया जाना था कि भारत से उसका पंजाब छीन लिया जाए, और पंजाब छीनने के लिए एक नेता उन्हें दिख रहा था, दैट इज भिंडरवाला, और ये व्यक्ति जो है ये खालिस्तान की यानी अपने लिए एक अलग स्थान की मांग कर रहा था, और इस मांग के तहत ये इतना रेडिकल हो गया, इसके पास इतना असलहा था कि जब भारतीय सेना इसको मतलब जब इसको पकड़ने के लिए मिशन चलाया गया और मिशन चलाया गया तो ये स्वर्ण मंदिर में जाकर छिप गया, तो पता चला कि स्वर्ण मंदिर में जो पहले से छिपे हुए खालिस्तानी समर्थक थे उनके पास मोर्टार्स थी, ऑटोमेटेड गन थी, इतना असलहा था कि भारतीय सेना वहां पर लंबे समय तक उनसे 4 बटालियन के नेतृत्व में लड़ती रही, लेकिन अंत तक भी उनके पार पार ना पा सकी, उनके पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था। मैं एक्चुअली जिस बीबीसी की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं इसे आप पढ़िएगा, इसमें बकायदा बताया गया है कि किस जनरल के नेतृत्व में यह कार्य किया गया, और यहां बताया गया है कि ये इतनी मुस्तैदी से पूरी तैयारी के साथ थे कि बोले जनरली हम ऐसी जगह जब कोई जगह पर कोई कब्जा होता है आतंकवादियों का तो वहां पर हम धुआं छोड़ देते हैं, वो धुआं जो होती है वो धुआं वहां पर उपस्थित जो लोग हैं उन्हें घायल कर देती है। ये लोग इतनी मुस्तैदी के साथ वहां तैनात थे कि इस धुआं से भी इन लोगों ने पहले से ही सैंड बैग वगैरह लगा रखे थे, इन तक वो पदार्थ पहुंचा ही नहीं, हमारे ही सैनिक घायल होने लगे। फिर टैंकर लाए गए, टैंकर इसलिए लाए गए क्योंकि टैंकर की लाइट जब खालिस्तानियों के मुंह पर डाली जाएगी तो टैंकर के साथ क्या होता है कि टैंकर की लाइट आंखों को चुंधिया देती है, देख नहीं पाता, और कोई व्यक्ति देख नहीं पाता तो फिर हम गोली चला करके उनको कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन टैंकर की लाइट की परेशानी यह है कि वो मात्र 20 सेकंड में ही फ्यूज हो जाती है, जितने भी टैंकर होते हैं बहुत तेज लाइट पैदा करती है फिर वो फ्यूज हो जाती है। तो बोले हम लोग टैंकर अंदर ला रहे थे फिर बाहर ले जा रहे थे और लाइट लगातार फ्यूज होती जा रही थी, हम उस जगह पर टैंकर की वजह से भी इनके ऊपर असर नहीं डाल पाए। अंत में जब लगातार अंधाधुंध गोलियां चल रही थी, रात को यह पूरा मिशन हुआ था, तो मुसीबत यह फंस गई कि अगर दिन का समय हुआ तो संभव है कि खालिस्तान के समर्थन में बहुत सारे लोग एकत्रित हो जाएं और वो भारतीय सेना को घेर लें। उससे बचने के लिए हम लोगों ने वहां पर जो उस पूरे की पूरा मतलब जहां पर ये छिपे हुए थे उस हॉल का छत उड़ा दिया, उस छत के उड़ाने से गिरे हुए जो पत्थर थे वो इनके ऊपर पड़े और वहां पर अचानक भगदड़ मच गई। भगदड़ के बाद ये हुआ कि भगदड़ के बाद 40 से 50 जो खालिस्तानी समर्थक हैं ये बाहर निकलने लगे, और जब ये बाहर निकलने लगे तो फिर ये कंफर्म होने लगा कि कहीं ना कहीं ये मर चुका है और इसके मरने से ही लोग बाहर निकल रहे हैं। अब ये जो बात निकल के आई ना साथियों कि ये वहां से निकल करके भागने लगे, तो इसके अंदर एक बात और मैं आपको ऐड कर दूंगा कि यहां पर ये कंफर्म अभी भी नहीं हो पा रहा था कि जर्नैल सिंह भिंडरवाला मारा भी गया है अथवा नहीं मारा गया। साथियों असल में इसमें 250 से अधिक सैनिकों की जान गई, 1400 से अधिक लोगों की जान गई, तो ऐसी स्थिति में ये वर्षगांठ उन लोगों के लिए भी याद में मनाई जाती है जो आम जनता वहां उपस्थित थी और इस गोलीबारी में मारी गई थी। अब एक बात यहां पर और सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भिंडरवाला के मारे जाने की खबर जैसे ही भारतीय सरकार को पता चलती है, पाकिस्तान के द्वारा स्टेटमेंट आता है, और स्टेटमेंट क्या आता है कि हम लोगों तक भिंडरवाला पहुंच चुका है, और पाकिस्तानी मीडिया इस बात को डिक्लेयर करती है कि हम जल्दी ही ऑन एयर का मतलब है टीवी के सामने भिंडरवाला को पेश करने वाले हैं, आपको भिंडरवाला अपनी स्टोरी सुनाएंगे। चूंकि यह घटना जून की थी, 6 जून 1984, और भारतीय सेना ने मतलब भारत सरकार ने जब सेना से कंफर्म किया कि आप तो कह रहे हैं भिंडरवाला मर चुका है और भिंडरवाला पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान कह रहा है कि भिंडरवाला वहां से बच के निकल लिया और पाकिस्तान पहुंच गया है, तो ऐसी स्थिति में आपका क्या तर्क है? तो उन्होंने कहा पाकिस्तान केवल न्यूसेंस क्रिएट करने का कार्य कर रहा है, उनके पास कोई भी भिंडरवाला नहीं है, क्योंकि अगर भिंडरवाला अंदर होता तो ये लोग बाहर भागकर नहीं आते डर के मारे। और फिर धीरे-धीरे सेना ने ये नोटिस किया कि भिंडरवाला के मरने पर उसके अनुयायी उसके पैर पकड़ रहे थे, उसके पैरों को चूम रहे थे कि भाई हमारा नेता मर गया। तो ये जो घटना थी, इस घटना ने भयंकर सिख विरोध दिखाया, और इसके चलते हुए साथियों इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ अक्टूबर 31 को सुबह 9:20 पर, और इसके रिपरकशंस ये रहे कि इंदिरा गांधी जी के मारे जाने पर दिल्ली के अंदर उनके सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा मारे जाने पर फिर सिख दंगे पूरे भारतवर्ष में पनप गए। इसी से भारत के अंदर एक कानून आया एनएसजी एक्ट 1986, जिसके तहत नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की स्थापना की गई, एक ऐसे मतलब स्पेशल एक फोर्स का गठन किया गया जो ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी चीजों को अंजाम दे सके। यही कारण है कि जो अक्षरधाम मामला हुआ था उसमें भी एनएसजी कमांडोज का उपयोग किया गया था। तो एनएसजी 1986 इसी घटना से संबंधित है जिसकी स्थापना की गई थी। उम्मीद है सभी साथियों को यह वाली बात भी डिटेल में समझ में आ गई होगी।
इस पूरे की पूरे घटनाक्रम में अगर किसी की कोई भी भावना आहत हुई हो तो हमारा कोई भी उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना नहीं है। हम केवल आपको उस घटना को जितना हमारे सामने लिटरेचर उपलब्ध है, भारत में जितनी चीजें उपलब्ध हैं वहां से लाया गया है, फिर भी अगर किसी की भावना को किसी भी प्रकार से मतलब नुकसान हुआ हो तो हम केवल आपसे यही कहेंगे कि हमने आप तक वो घटनाएं पहुंचाई हैं जो कि लिखित थी, फिर भी हम उसके लिए आपसे मतलब कहेंगे कि आप इस बात को अदरवाइज में ना लेकर केवल एक सवाल के रूप में पढ़ें। ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी में इस बात को जान लें कि यूपीएससी कैटेगरी के अंदर आज और कल के लिए ये ऑफर वैलिड है। कल दोपहर मतलब ये फिर से आ गया है, मतलब विद इन 10 डेज वापस से ये ऑफर आ गया है। और इस ऑफर में ये है कि आप लोग बुधवार रात 12 बजे तक इस ऑफर को यूज कर सकते हैं, जिसमें कि आप लोगों को दिया जा रहा है जीएस प्लस ऑप्शनल के अंदर 25% का डिस्काउंट और रेफरल कोड अंकित 10 लगाने पर एडिशनल 10% का डिस्काउंट। इतना ही नहीं, आपको इस बार इसके साथ साथ 20 बुक्स वर्थ रुपीज ऑफ 10,000 ये भी दी जा रही हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो भी सब्सक्रिप्शन लेंगे, अगर आपने एक साल का सब्सक्रिप्शन लिया तो वो प्रिलिम्स 2022 तक वैलिड है, और दो साल का सब्सक्रिप्शन लिया तो वो प्रिलिम्स 2023 तक वैलिड है। दो साल के सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट आपको 83,000 रुपए पड़ने वाली है, और 83,000 रुपीज में आप जरा नोटिस करें कि आपको ऑप्शनल और जीएस दोनों मिल रहा है मात्र 83,000 में, और इसकी वैलिडिटी प्रिलिम्स 2023 तक होने वाली है, और यहां पर 20 बुक्स जो हैं वो 10,000 रुपीज की ये भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो अगर आपको ये सब्सक्रिप्शन लेना है, दोनों ही माध्यम में ये आपके लिए उपलब्ध है, किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं, जो भी आपको चाहिए होगा आपका मीडियम आप बता करके बुक्स प्राप्त कर सकते हैं। और आइकॉनिक वाला जो ऑप्शनल है उसके अंदर जहां पर आपको एक पर्सनल मेंटर भी दिया जाता है, वो कोर्स आपको 76,000 रुपीज में उपलब्ध हो जा रहा है। तो ये अपने आप में एक जबरदस्त ऑफर है जो आपके लिए चल रहा है। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि कोर्स लेना कैसे है, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें, और लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके वहां पर गोल में यूपीएससी गोल सेलेक्ट कर लें, और वहां से आप जाकर के सब्सक्रिप्शन वाले ऑप्शन तक जाएं और रेफरल कोड अंकित 10 अप्लाई करना ना भूलें, जिससे आपको फीस में डिस्काउंट प्राप्त होगा। अगर किसी भी प्रकार की असुविधा हो, हाँ एक बात और, यहां पर यूपीएससी कैटेगरी के अंदर अनअकैडमी के ऊपर लगभग मतलब 20 से अधिक तो खुद आईएएस ऑफिसर्स हैं जो क्लासेस ले रहे हैं। इसके अलावा मल्टीपल बहुत ही मतलब इंडिया के सबसे टॉप टीचर्स जो हैं वो लगातार यहां क्लासेस ले रहे हैं। आपको संपूर्ण कोर्स यहां पर पूरी तरह से मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, डाउट डिस्क्लेयर सेशन मिलेगा, प्रीलिम्स मेंस की पूरी तैयारी, ऑप्शनल के अंदर एक ऑप्शनल नहीं जितने भी ऑप्शनल आप पढ़ना चाहें वो सभी एक ही प्लान के अंदर आपको मिल जाएंगे। जितना भी देखना चाहें देखें, आपको जो अच्छा लगा है पढ़ें, जो नहीं लग रहा है उसे छोड़ दें, दूसरा ऑप्शनल तैयार कर लें। ये सारी फैसिलिटीज आपको अनअकैडमी उपलब्ध करवा रहा है। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए, मेरा टेलीग्राम चैनल है अंकित अवस्थी सर, उसकी डिटेल में आप जाएं, आप वहां से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत आए तो आपको वहां से रिजॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ऑफर चल रहा है, और एसएससी वालों के लिए ऑफर चल रहा है कि वो भी कल रात 12 बजे तक अगर चाहें, यानी बुधवार रात तक अगर वो चाहें, तो एक ऑफर है जिसके तहत एसएससी के एक साल के सब्सक्रिप्शन के साथ 4 अतिरिक्त महीने का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, वो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, रेफरल कोड याद रखिए अंकित 10, और इसका उपयोग करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, रेफरल कोड अंकित 10। ठीक है, हाँ, और टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर, जिस पर आपको इस क्लास की पीडीएफ तो मिली जाएगी, और इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको वो सारी जानकारियां जिससे आप हमसे संपर्क कर पाएंगे। आपका समय शुभ हो, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।